सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज हम ऐश के 10 ऐसे पोकेमोन को देखने वाले हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल मूव्स को यूज किया है। इम्पॉसिबल मूव से मेरा मतलब उन मूव्स से है जो कि वो पोकेमोन गेम्स में नहीं सीख सकते, पर उन्होंने वो अटैक एनिमे में यूज किया था। तो हाँ, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर वन के साथ। नंबर वन चारिज़ार्ड। चारिज़ार्ड ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है और इसने एनिमे में काफी सारे अटैक सीखे हैं। और ऐश के सारे पोकेमॉन में से पिकाचू के बाद चारिज़ार्ड ने ही सबसे ज्यादा अटैक सीखे हैं। एनिमे में चारिज़ार्ड ने 18 अटैक्स का यूज किया है, पर उन्हीं में से कुछ अटैक्स ऐसे भी हैं जो कि चारिज़ार्ड यूज नहीं कर सकता, जैसे कि टैकल। टैकल एक काफी ज्यादा कॉमन अटैक है जो कि काफी सारे पोकेमॉन सीख सकते हैं, पर पोकेमॉन गेम्स में चारिज़ार्ड टैकल नहीं सीख सकता और इवन इसके ऊपर टैकल सूट भी नहीं करता है। पर पोकेमॉन के एपिसोड डबल ट्रबल में ऐश जिम लीडर लुआना के साथ एक डबल बैटल करता है जहाँ पे वो पिकाचू और चारिज़ार्ड को चूज करता है, और वहीं पे लुआना चूज करती है अलकाज़ाम और मैरोवैक को। पर आपको पता होगा, ऐश ऐसी ऐसी चीजें ट्राई करता है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसी तरह इस बैटल के बीच में ऐश चारिज़ार्ड को टैकल अटैक यूज करने बोलता है अलकाज़ाम पे, पर अलकाज़ाम चारिज़ार्ड को साइकिक अटैक का यूज करके हवा में ही रोक देता है। तो हाँ, किसी भी चारिज़ार्ड के लिए टैकल अटैक को यूज करना इम्पॉसिबल है, बट ऐश के चारिज़ार्ड ने टैकल अटैक यूज किया था। नंबर टू पे आता है बल्बसॉर। बल्बसॉर एक ग्रास और पॉइजन टाइप का ऐश का स्टार्टर पोकेमॉन है, और जो इम्पॉसिबल मूव ऐश के बल्बसॉर ने यूज किया था वो था डिग अटैक। इस अटैक को आपने एनिमे में ऐश के इन्फर्नेप को यूज करते हुए देखा होगा, और ये ग्राउंड टाइप का अटैक है। इस अटैक का यूज करने के बाद पोकेमॉन एक गड्ढा खोदता है और उसके अंदर चले जाता है, और फिर वो कहीं से भी निकलकर अपोनेंट पे अटैक करता है। और किसी अटैक से बचने के लिए भी इस अटैक को यूज किया जा सकता है, पर बल्बसॉर ने भी इस अटैक का यूज किया था बल्बसॉर द एम्बेसडर नाम के एपिसोड में। इसको देखने के बाद ट्रेसी ये बोलता भी है कि बल्बसॉर का इस अटैक को यूज करना इम्पॉसिबल है, बट इसके बाद प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो पोकेमॉन ऐसी चीजें भी कर दिखाते हैं जो कि वो नहीं कर सकते, और यही चीज एक्सप्लेन कर देती है कि पोकेमॉन इम्पॉसिबल अटैक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। नंबर थ्री पे आता है ऐश का पिकाचू। पिकाचू पोकेमॉन एनिमे का मैस्कॉट और सबसे ज्यादा पॉपुलर पोकेमॉन है। पिकाचू ने एनिमे में 4000 से एक अटैक ज्यादा यानी कि 19 अटैक्स का यूज किया है, जो कि पिकाचू को एनिमे का सबसे ज्यादा अटैक यूज करने वाला पोकेमॉन बना देती है। पर इन्हीं सारे 19 अटैक्स में से कुछ अटैक्स ऐसे भी हैं जो कि ऐश का पिकाचू यूज नहीं कर सकता, जिनमें सबसे पहला अटैक है टैकल, जिसको पिकाचू ने यूज किया था द डबल ट्रबल हेडर नाम के एपिसोड में। अब हाँ, यह अटैक पिकाचू पे उतना वियर्ड नहीं लगता, क्योंकि पिकाचू को एनिमे और गेम्स दोनों में क्विक अटैक आता है जो कि इससे काफी ज्यादा सिमिलर है, पर फिर भी यार गेम्स में पिकाचू टैकल नहीं लर्न कर सकता, बल्कि उसने एनिमे में यूज किया था। नेक्स्ट अटैक है लियर। इसको पिकाचू ने यूज किया था पोकेमॉन के एपिसोड 150 में। इस अटैक का यूज करने के बाद पोकेमॉन एक काफी डरावना फेस बनाता है जिससे सामने वाला पोकेमॉन डर जाए, और इससे पोकेमॉन का डिफेंस कम हो जाता है। इस एपिसोड में हाउंडूर ने पिकाचू पे यूज किया था लियर अटैक, जिसके काउंटर में पिकाचू भी लियर अटैक का यूज करता है। अब लियर अटैक काफी पोकेमॉन्स के लिए बना है और हाउंडूर के ऊपर ये सूट करता है, पर पिकाचू एक काफी क्यूट पोकेमॉन है जिसके ऊपर ये अटैक सूट नहीं करता। तो हाँ, ये एक और इम्पॉसिबल अटैक था जो कि ऐश के पोकेमॉन ने यूज किया हो। नंबर फोर पे आता है ऐश का इंसिनेरॉर। ऐश का इंसिनेरॉर एक फायर और डार्क टाइप का पोकेमॉन है। ये जब लिटन के फॉर्म में था तब इसने स्लैश अटैक का यूज किया था। स्लैश एक काफी कॉमन मूव है जिसमें पोकेमॉन अपने क्लॉज का यूज करके अपोनेंट पे अटैक करता है, और लिटन कैट पे बेस्ड है तो लॉजिकली देखा जाए तो इसको ये अटैक आना चाहिए, बट गेम्स में लिटन स्लैश अटैक को नहीं लर्न कर सकता। पर पोकेमॉन एनिमे के एपिसोड डे माइट नॉट बी जायंट्स में लिटन ने यूज किया था स्लैश अटैक को। इस एपिसोड में अलोला के तीनों स्टार्टर्स यानी कि लिटन, पोपलियो और राउलेट फंस जाते हैं एक नेट में, फिर लिटन स्लैश अटैक का यूज करके उस नेट को काट देता है। तो हाँ, ये एक इम्पॉसिबल अटैक था। नंबर फाइव पे फिर से ऐश का ग्रास और पॉइजन टाइप पोकेमॉन बल्बसॉर आता है, जिसने एनिमे में दो इम्पॉसिबल मूव्स का यूज किया था। सबसे पहला था डिग अटैक जो कि इस वीडियो में आ चुका है, और सेकंड है व्हर्लविंड। इस अटैक को बल्बसॉर ने यूज किया था द निंजा पोके शोडाउन नाम के एपिसोड में, जहाँ पे ऐश और गोगा की बैटल होती है। इस एपिसोड में ऐश का बल्बसॉर बैटल करता है आया के वेनोनेट से, जो कि स्टन स्पोर का यूज करता है जिससे पोकेमॉन पैरालाइज हो जाते हैं। पर तभी ऐश बल्बसॉर को व्हर्लविंड यूज करने बोलता है, जिससे बल्बसॉर फूंक मार के स्पोर को उड़ा देता है, और व्हर्लविंड एक फ्लाइंग टाइप का अटैक है और बल्बसॉर फ्लाइंग टाइप से वीक है। तो हाँ, ऐश के बल्बसॉर का इस अटैक को यूज करना इम्पॉसिबल था।
बाय द वे जापानीज में वर्ल्ड विंड का नाम है ब्लो अवे, और जापानीज डब में एश बल्बासोर को ब्लो इट अवे कहता है ना कि ब्लो अवे, जो कि थोड़ा डिफरेंट था, पर डेफिनेटली इंग्लिश डब में एश ने बल्बासोर को वर्ल्ड विंड यूज करने बोला था। नंबर 6 एश का हेराक्रॉस। हेराक्रॉस एश का सबसे पहला जोटो पोकेमोन था जिसकी टाइपिंग बग और फाइटिंग टाइप है। हेराक्रॉस अपने यूनिक अटैक्स के लिए जाना जाता है। इसने काफी सारे ऐसे अटैक्स का यूज किया है जो कि एनएमए में इसके अलावा कोई और यूज नहीं कर पाया है, जैसे कि स्लीप टॉक या फिर एंड्योर। एंड हेराक्रॉस ने एश वर्सेस गैरी बैटल में एक इम्पॉसिबल अटैक का भी यूज किया था जो कि था फ्यूरियस पाइप्स। इस अटैक का यूज करने के बाद पोकेमोन अपने ओपोनेंट को 2 से 5 बार स्क्रैच करता है अपने क्लॉस का यूज करके, पर गेम्स में हेराक्रॉस इस अटैक को नहीं लर्न कर सकता। बट हाँ, ये एक डबिंग मिस्टेक थी, क्योंकि ओरिजिनल यानी कि जापानीज डब में एश ने हेराक्रॉस को फ्यूरी अटैक यूज करने बोला था, ना कि फ्यूरी स्वाइप्स, और फ्यूरी अटैक हेराक्रॉस लर्न कर सकता है, तो हाँ ये एक डबिंग मिस्टेक थी। नंबर 7 एश का पेजियॉट। पेजियॉट एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है और ये एश का 3rd पोकेमोन था। इसके बारे में एक काफी शॉकिंग फैक्ट यह है कि पेजियॉट ने कभी भी कोई भी ऑफिशियल बैटल नहीं जीती थी। एंड इसको भी काफी सारे अटैक्स आते हैं जिनमें से एक अटैक है डबल एज, जिसको पेजियॉट ने यूज किया था क्लिफेरी एंड द मूनस्टोन नाम के एपिसोड में। ये काफी स्ट्रॉन्ग नॉर्मल टाइप अटैक है और जिस पोकेमोन ने इसको यूज किया है उसको भी डैमेज पड़ता है, पर गेम्स में पेजियॉट डबल एज को नहीं सीख सकता। तो हाँ, ये भी एक इम्पॉसिबल मूव है जिसको एश के जॉर्ड ने यूज किया था एंड उसको वो गेम्स में नहीं सीख सकता। नंबर 8 एश का अनफ्यूजेंट। एश का अनफ्यूजेंट एक काफी हेटेड पोकेमोन है एश का, क्योंकि ये बैटल्स में बाकी रीजनल बर्ड के मुकाबले काफी ज्यादा वीक था। एंड इसने जो इम्पॉसिबल अटैक को यूज किया था वो था विंग अटैक, जिसको इसने यूज किया था एन अमेजिंग एरियल बैटल नाम के एपिसोड में। गेम्स में ट्रैंक्विल विंग अटैक को नहीं सीख सकता, बट एश के ट्रैंक्विल ने इस अटैक का यूज किया था, तो हाँ ये भी एक इम्पॉसिबल अटैक था। नंबर 9 एश का क्विलावा। क्विलावा एक फायर टाइप का जोटो स्टार्टर है और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी था। इसके पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी थे जैसे कि फ्लेम व्हील, इरप्शन या फिर फ्लेम थ्रोवर। पर आपको हॉट मैचेस एपिसोड तो याद होगा जहाँ पे एश एक ट्रेनर के स्कारमरी से मिलता है जिससे सारे ट्रेनर्स हार रहे थे, और एश भी अपने सिंडक व्हील का यूज करके इससे बैटल करने का डिसाइड करता है। और इसी बैटल के बीच में सिंडक व्हील ने एजिलिटी का यूज किया था। एजिलिटी यूज करने के बाद जिस पोकेमोन ने इसको यूज किया है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, पर सिंडक व्हील के लिए इस अटैक को सीखना गेम्स में इम्पॉसिबल है। बट यार, एश के सिंडक व्हील ने इस अटैक का यूज किया था, तो हाँ ये भी इम्पॉसिबल अटैक था। और फाइनली नंबर 10 एश का किंगलर और स्नोरलैक्स। एश के किंगलर ने कोई भी इम्पॉसिबल मूव का यूज नहीं किया है, पर एश वर्सेस मैंडी बैटल में किंगलर ने 5 मूव्स का यूज किया था, जो कि थे हाइपर बीम, क्रैब हैमर, बबल, वाटर गन और वाइस ग्रिप। और आपको ये तो पता होगा कि एक पोकेमोन गेम्स में 4 ही मूव्स को सीख सकता है और एक बैटल में 4 से ज्यादा अटैक्स को नहीं यूज कर सकता, तो हाँ यहाँ पे किंगलर ने एक इम्पॉसिबल चीज की थी। और बात करें एश के स्नोरलैक्स की, तो एश के स्नोरलैक्स ने एश वर्सेस ग्रेटा बैटल में 6 मूव्स का यूज था, जो कि थे हेडबट, प्रोटेक्ट, हाइपर बीम, आइस पंच, रेस्ट और बॉडी स्लैम। और वीडियो एंड करने से पहले एश के कुछ टेम्पररी पोकेमोन ने भी इम्पॉसिबल अटैक्स का यूज किया है, जैसे कि लार्विटार ने हार्डन अटैक यूज किया था और कॉस्मोग ने यूज किया था सुपरसोनिक अटैक को। ये दोनों अटैक ये दोनों पोकेमोन गेम्स में नहीं सीख सकते। वेल गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसी ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।